स्वीट बन के तैयार हुई है। आप भी बनाइए और बताइए कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी है। एक बार जरूर ट्राई करिए अपने घर पर, ये बहुत ही इजी है। कुछ कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और बाकी बहुत ही अच्छी बनती है। ना घी है ना मावा है इसमें। नमस्कार, इलायची किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इजी और टेस्टी स्वीट डिश बना रहे हैं। उसके लिए सिर्फ हमको दो चीजों की जरूरत है, शक्कर और पनीर। और अब आज हम बना रहे हैं छेना मुर्की। ये बहुत ही इजी है, पर थोड़ा सा इसको आप ट्रिकी है, थोड़े से इसके आप टिप्स ध्यान रखिए। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सिर्फ 3-4 ड्रॉप आपको घी डालना है, शुद्ध घी। सिर्फ हल्का सा ग्रीस हो जाए इतना ही डालना है। मैंने ये एक कटोरी शक्कर ली है, करीब 100 ग्राम शक्कर है। और इसी कटोरी के नाप से मैं आधा कटोरी पानी ले रही हूँ। गैस को स्लो ही रखना है ताकि शक्कर अपने आप पिघलेगी और इसकी चाशनी बनेगी। यह ऐसी स्वीट डिश है जिसमें घी भी नहीं लगेगा, कोई मावा नहीं। आपको घी और मावा अवॉइड करना है। तो यह स्वीट डिश बहुत ही अच्छी है और फटाफट बन जाती है सिर्फ दो चीज़ों से, पनीर और शक्कर। देखिए, शक्कर और चाशनी घुल गए हैं और ये ऐसा एक तार बन गया है। देखिए, एक तार लग रहा है ना, बिल्कुल ये देखिए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून, ये वाला टेबल स्पून भर के दूध डालेंगे ताकि शक्कर में जो भी मेल वगैरह हो सब निकल जाए और हमारी छेना मुर्की बहुत ही वाइट और बहुत अच्छी बने, उसका कलर बहुत अच्छा है। इसके लिए गैस को स्लो ही रखना है। हमने दूध डाला था तो उससे पूरी शक्कर में जो मेल था, पूरी गंदगी थी, वो आ गई है साइड साइड में। अब हम इसको बिल्कुल धीरे से निकाल लेते हैं किसी में। इससे छेना मुर्की का कलर एकदम वाइट रहती है। आपने कभी खाई हो तो थोड़ा सा इसका मेला बना जाता है, इसलिए मैंने इसको पूरा हम निकाल लेंगे। ये शक्कर का मेल रहता है, गंदगी रहती है। ओके, हमको पनीर को इसमें ही पकाना है। इसको घुमा घुमा के देख लीजिए कहीं और साइड साइड से अभी भी थोड़ी सी है, इसको हम निकाल लेते हैं। हम ये पनीर डालेंगे। ये पनीर बहुत फ्रेश पनीर नहीं लेना है, 1 या 2 दिन का पनीर रहता है वो लेना है। और हमको पानी वाला पनीर बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम सूखा पनीर होना चाहिए। या तो आप घर पे बनाइए 1 दिन पहले, और नहीं तो आप मार्केट से लाओ तो बोल के लाइए कि भैया पानी वाला पनीर नहीं दीजिए, जो पानी में रखा हुआ रहता है वो पनीर नहीं चाहिए। अब हम इसमें ये पनीर को डालते हैं। ये पनीर इसमें ही पकेगा आज को। अभी थोड़ा सा हम तेज करते हैं। शक्कर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ी शक्कर की चाशनी भी थोड़ा सा ज्यादा बनाते हैं। और जिसमें हम बना रहे हैं, कढ़ाई हो जो जो भी पॉट हो, थोड़ा सा बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको हिलाने में, क्योंकि पनीर को ज़्यादा हिलाना भी नहीं है, क्योंकि ये पीसेस अभी चाशनी में जाके बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर टूटने लग जाते हैं। देखिए, यह ऐसी हो गई है, एकदम गाढ़ी चाशनी हो गई है। इसको हम अब इसको इसमें ही चलाते रहेंगे। और गैस को आप देखिए कितने बढ़िया फूल गए हैं ये पनीर के पीसेस। और यदि हम ताज़ा ताज़ा पनीर लेंगे तो इसमें ही टूट जाते हैं वो, बिना मावे के, बिना घी के। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। इसको हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको हमको लगातार चलाते रहना है। ये पूरी इसकी चाशनी इसके अंदर ही कोट हो जाएगी, पनीर के ऊपर ही, और ये पूरे सूख जाएंगे जब, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको अब मैं निकालती हूँ प्लेट में।
गैस बंद करके इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहिए, पूरी चाशनी सूख जाएगी। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है एकदम, और पूरी इस पे कोट हो जाएगी चाशनी। आप चाहें तो अभी भी निकाल सकते हैं और एक प्लेट में या ट्रे में उसको सुखा सकते हैं, पर थोड़ा सा अच्छा कोट हो जाती है तो अंदर तक मीठा हो जाएगा। और यदि आप कम शुगर खाते हैं तो अभी निकाल लीजिए। देखिए पूरी क्रिस्टल हो गई है चाशनी के, हल्के हल्के से पूरी सूख जाएगी, एकदम वाइट हो जाएगी। देखिए चाशनी कितनी बढ़िया कोट हो गई है इस पर। अब इस पर हम पीसी हुई शक्कर डालेंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए। एकदम ये जब सूख जाए जब ही डालिए, नहीं तो ये थोड़े से स्टिक स्टिक हो जाएंगे, शुगर वापस से पानी छोड़ देगी, तो इसे एकदम वाइट हो जाएंगी ये। इस पर हम हल्का से हिलाते हैं, इसमें हमने कोई फ्लेवर नहीं डाला, चाहे तो आप फ्लेवर डाल सकते हैं, इलायची, केवड़ा एसेंस या दूध का मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको हम प्लेट करते हैं। देखिए पूरे एक एक पीस कितने बढ़िया लग रहे हैं इसके, और इसमें कोई घी नहीं, मावा नहीं, शक्कर भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। कितनी बढ़िया स्वीट बन के तैयार हुई है, आप भी बनाइए और बताइए कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी है। एक बार जरूर ट्राई करिए अपने घर पर, ये बहुत ही इजी है। कुछ कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और बाकी बहुत ही अच्छी बनती है, ना घी है ना मावा है इसमें। शुगर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप बताइए कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल इलायची किचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।